मध्य प्रदेश में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने नागरिकों से बारिश के मौसम में सावधानी बरतने की अपील की थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कलेक्टर की अपील अब बेअसर हो रही है। ग्रामीण अपनी जान हथेली पर रखकर रपटा पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीहोर जिले के श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपलखेड़ा में मेन रोड की ऊंचाई ज्यादा हो जाने के कारण रपटे की निचाई कम हो गई है, जिस कारण बारिश होते ही रपटे का पानी वहां भर जाता है और ग्रामीण उफनते रपटे को पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए ग्रामीणों ने कई बार निर्माण कराने को लेकर आवेदन भी दिया, पर जिम्मेदार अधिकारियों ने अभी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया। 15 साल हो गए, 15 साल तक पुलिया बन जाएगी, पुलिया नहीं बनी, आ गई समझ। आते हैं, वोट ले जाते हैं, वोट लेके बाद में कह देते हैं पुलिया बन जाएगी। समस्या आ रही है, 20 साल से नदी को देख रहे हैं हम तो, इससे बाहर जाने की लेटरिंग बाथरूम की दिक्कत पड़ती, गरीब आदमी ना तो भीतर जाए ना बाहर आए, नदी में रुका गए, इधर के उधर रह गए, इधर किधर रह गए। तीन तीन चार चार बार इसकी ये खबर आ गई कि ये पुल बंधेगा, अभी तक नहीं बंधा, कोई से विधायक ने नहीं बनवाया आज तक, ना कोई मंत्री आते, सब मंत्री देख के चले जाते हैं। शिवराज सिंह भी कई बार दौरा कर गए इधर से, अब बाजार बड़खेड़ा इधर पहले गए थे, उन्होंने भी आज तक ये गांव का कोई विकास नहीं किया, इस रोज कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं पीपलखेड़े का कोई विकास ही करना नहीं चाहता। कई विधायक बन गए अपने, रमेश सक्सेना साहब भी बन गए अपने, सुदेश राय जी भी बन गए, उन्होंने भी कोई नहीं किया इस काम का विकास। ये गांव को तो अपन ने बिल्कुल उसे छोड़ दिया, यानी कोई है ही नहीं इस गांव में। हाँ, कुछ जनसंख्या ही नहीं, कुछ गांव में जनसंख्या ही नहीं है, वो चुनाव की बाह में आ जाते हैं, हमें इस बात से जिताओ, इससे जिताओ, सबको जिता देते हैं, इसके बाद में कोई देखना ही नहीं है पीपलखेड़े को। तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो रही गांव ग्रामवासियों को? समस्या बहुत हो रही, कई मकान गिर रहे हैं, कच्चे मकान धड़ गए कई, और बारिश कनमन हो जा पूरे गाँव के, इसका विकास होगा तब तो पानी निकलेगा। ऐसे कोई बीमार हो जाए तो गांव में बीमार हो जाए, अभी कोई डिलीवरी केस आ जाए, अगली साल ये डिलीवरी केस आया था, मेरे परिवार में ही खुद था, अगर नदी उस दिन नहीं उतरती तो मेरे तो बाल बच्चे परेशान हो जाए। हाँ, वो एक्सपायर हो जाते बेचारे, ना तो उधर जाए ना इधर आ, तो जल्दी से जल्दी हो सके तो अगली बारिश नहीं आए, ये मंजूर अगर करवा सके कोई भी लोग जो बड़े अधिकारी हो गए, इस गांव को समझ रहे हो, वोट चाहिए उनको कि हाँ ये पीपल खड़े अपने लायक है नहीं है। चुनाव के टाइम में तो सबको है, और बिगर चुनाव होगा इसके बाद में कोई नहीं, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं देखता है। अगली बारिश, ये बारिश से अगली बारिश तक अगर बन जाए तो ठीक है, और इसके बाद में इस गांव में मैं कह रहा हूँ आगे का चैलेंज, इस गांव में कोई भी आए किसकी सेवा मत करो, चाहे कोई मंत्री क्यों नहीं हो, वोट का बहिष्कार करो, नहीं किसी को मत दो वोट, अपनी जब सोचनी है तो अपनी उनकी सोचनी है। सही सही, गांव का भी यदि कोई आए कि भाई अपन उसे जिताना नहीं, जिताएंगे हम, अगर पुलिया बन जाएगी तो सबको जिताएंगे, जो भी पार्टी आएगी उसको जिताएंगे हम, नहीं तो किसी को वोट नहीं देंगे, मैं तो मेरा ही नहीं दूंगा किसी को, आप दो मत दो पीपल खड़े, बस मेरे तो मोड़ा मोड़ी परेशान होते नहीं, मेरा गाँव है तो मेरे बाल बच्चे है, पीपल खड़े में जब मैं रह रहा हूँ तो मेरे बच्चे हुए नहीं सब गाँव के, जो आज स्कूल से उधर नहीं जाते, इधर रुक जाते बेचारे, बहुत परेशानी है, झेलना पड़ रहा है, लोग तो निकल गए 30 साल पहले से, अपने तो छोटे छोटे बालक, हाँ, सही मेरे चार लड़के जाते हैं मतलब, सही आने वाली पीढ़ी उधर से लेके जाऊँ मैं, नदी उधर ही रह जाते, 9 बजे रात के लेके आता हूँ। ग्रामीणों का कहना है कि आवेदन के साथ कई बार सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, विभाग द्वारा निराकरण प्राप्त हो गया है? अभी कुछ नहीं हुआ मैडम जी। जी महोदय, क्या मेरी बात पवन कुमार दांगी जी से हो रही है? जी हाँ, पवन कुमार से हो रही है। आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में सड़क में सुधार कार्य से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई गई थी, शिकायत क्रमांक 18 42 88 30 से विभाग द्वारा जो निराकरण प्राप्त हुआ है, क्या आप वो जानना चाहेंगे? पुलिया के बारे में बोला था, देख लो आन के, आज भी गांव के इधर ही रुके हुए हैं, पानी गिर रहा है कल से तो। जी महोदय, विभाग द्वारा जो निराकरण प्राप्त हुआ है, क्या आप वो जानना चाहेंगे? क्या निराकरण करा उन्होंने, बता दीजिए।
जी बताना चाहूंगी, निराकरण में बताया जा रहा है उपयंत्री श्री जतिन मिश्रा के जांच प्रतिवेदन अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा जिस रपटे की शिकायत की जा रही है उसका निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा 12 से 15 साल पहले किया गया था। नवीन रोड की हाइट ऊंची हो जाने के कारण रपटे पर 2 से 2.5 फीट पानी वर्षा के समय पर रहता है, जिस कारण से ग्रामीणों को समस्या आ रही है। नवीन निर्माण कार्य किए जाने के लिए लगभग 15 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत में फंड नहीं होने के कारण कार्य को कराया जाना संभव नहीं है। शिकायत मांग आधारित है, कृपया शिकायत को फोर्स क्लोज करने का कष्ट करें। क्या आप दिए गए निराकरण से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं इस निराकरण से संतुष्ट नहीं हूं। अगर पंचायत के पास पैसा नहीं है तो सरकार के पास तो पैसा होगा ना? जी महोदय, आप जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ आपकी शिकायत पर निराकरण अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपके पुष्टिकरण के आधार पर आपकी शिकायत पुनः संबंधित उच्च स्तर अधिकारी को प्रेषित की जा रही है। विभाग द्वारा निराकरण प्राप्त होने पर आपको पुनः संपर्क किया जाएगा। सीएम हेल्पलाइन की सेवा लेने के लिए धन्यवाद। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा तो इस स्थिति को देखते हुए ग्रामीण बहते हुए रपटे को पार करने के लिए मजबूर हैं। टाइमेट मध्य प्रदेश के लिए श्यामपुर से वसीम उद्दीन की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।